देश सहित प्रदेशों में भी मानव तस्करी का अवैध कारोबार जोरों पर है। इन दिनों छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मानव तस्करी का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक डी श्रवण के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ई व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी चंद्रेश ठाकुर के नेतृत्व विशेष में अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अवैध मानव तस्करी करने वालों को काबू किया गया है। आपको बता दें कि गुम निवासी पीड़िता का पति पीड़िता यानी अपनी पत्नी को लेकर थाने में उपस्थित हुआ। इस दौरान पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी जुनैद खान, शुभम तिवारी, साजदा सैयद व सलमान के द्वारा बहला फुसला कर रायपुर से हवाई जहाज में दिल्ली एवं दिल्ली से हरियाणा लेकर गए, जहां पर किराए के मकान में उसे रखा गया। किराए के मकान में रखकर उसके साथ शुभम तिवारी द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए तथा घर से निकलने पर उसको एवं उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। फिर उसे हरियाणा लेकर गए, वहां से अजय के माध्यम से उसे सुरेश के पास बेच दिया गया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर चार आरोपियों पर केस दर्ज किया। जांच तफ्तीश के दौरान आरोपियों को काबू किया गया। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। मानव तस्करी का मामला सामने आया है, क्या है संबंध में? हमारे यहाँ थाना डोंगरगढ़ में सितंबर माह में एक गुम इंसान का अपराध दर्ज हुआ था, जिसकी पतासाजी डोंगरगढ़ थाना द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में कल पीड़िता अपने पति के साथ थाना आई और उन्होंने बताया कि डोंगरगढ़ के रहने वाले चार लोग हैं जिनके द्वारा इनको वेला फुसला कर रायपुर ले जाया गया, फिर वहाँ से दिल्ली ले जाया गया फ्लाइट के माध्यम से, फिर उसके बाद हरियाणा ले जाकर इनको किसी के साथ ये शादी करवा दिया गया था। सर, पीड़िता ने कहा है कि उनके साथ जब वो रायपुर ले जाया गया उसको, तो उसके साथ राज्य की और महिलाएं भी साथ में थी। सर, अभी हम पूछताछ कर रहे हैं पीड़िता को, क्या उनके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, जो भी और तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम अन्य जो उनके साथ रहे पीड़िता है उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, जब उसकी जब बताया जा जैसे अभी आपने कहा कि दो महीना पहले ही उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, तो पुलिस के द्वारा सबको अब तक क्या प्रयास किया गया था ढूंढने के लिए? पुलिस के द्वारा जो भी उनके परिजन हैं उनसे पूछताछ की जा रही थी, तो कोई हमको स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त हो रही थी। तो जब कल पीड़िता अपने पति के साथ आई और अपने साथ जो घटित घटना हुई है उसके बारे में बताई, तो उसके आधार पर हमने थाने में एक अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। इसी क्रम में हमने चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और महिला द्वारा जो भी और जानकारी दी जा रही है उसके आधार पर और भी इसमें अपराधी हैं, तो उनको भी शीघ्र हम गिरफ्तार करेंगे। तो सर, जैसे ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.